मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी कैसी होगी, पर उसमें ना ये जरूर लिखा होगा कि मैंने कभी हार नहीं मानी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोहित की लाइफ और करियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक छोटी सी जॉब छोड़कर सोशल मीडिया स्टार बन गए। रोहित ने अपने वीडियो से एक अलग ही फैन बेस बना रखा है। टिकटॉक पर अगर कोई एटीट्यूड, स्लो मोशन, एक्सप्रेशन और एक्शन मिला के नाम बनता है तो वो है रोहित। आज रोहित जो इतने फेमस हैं वो तो सबको दिखता है, पर इसके पीछे की लाइफ उनकी कैसी है या कैसी रही, ये हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। रोहित का पूरा नाम रोहित जिंजुरके है। रोहित का जन्म 9th अप्रैल 2000 में गुजरात के सूरत में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रोहित की फैमिली में अभी केवल 3 लोग हैं, रोहित, उनकी मॉम और रोहित की सिस्टर। रोहित की सिस्टर का नाम रोहिणी जिंजुरके है। रोहिणी अभी कॉलेज में पढ़ती हैं। रोहित और रोहिणी में वैसे तो बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग है, पर रोहिणी अक्सर रोहित को इरिटेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। पर उनकी सिस्टर में ये अच्छी बात है कि वो हमेशा पहले आकर सॉरी बोलती हैं। बात करें रोहित के फादर की तो वो काफी टाइम से उनके साथ नहीं रहते। रोहित के पापा हमेशा नशे वगैरह में रहे, उन्होंने कभी अपने बच्चों और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए रोहित की माँ अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। रोहित की सक्सेस में कहीं ना कहीं उनकी माँ का भी हाथ है। रोहित की माँ ने खुद जॉब करते हुए अपने बच्चों को पाला भी और पढ़ाया भी। रोहित ने अपनी स्कूली पढ़ाई सूरत के ही एक स्कूल से की। वो पढ़ने में अच्छे थे, पर परिवार की वजह से उनका दिमाग डिस्टर्ब भी काफी रहता था। रोहित बताते हैं कि उन्हें स्कूल में हर अच्छी लड़की से प्यार हो जाता था। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक लड़की को लेटर भी दिया था, पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। रोहित ने अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने को डिसाइड किया, क्योंकि उनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो सूरत में एक साड़ी के शोरूम में सेल्समैन की जॉब करने लगे। जॉब करते हुए उन्हें बिजनेस का भी काफी एक्सपीरियंस आ गया था, मतलब अपनी बातों से कस्टमर्स को काफी प्रभावित कर लेते थे। जॉब करते हुए ही 2019 में उन्हें उनके फ्रेंड्स ने टिकटॉक पर वीडियो दिखाए। वो वीडियो देखकर रोहित काफी प्रभावित हुए। रोहित ने भी टिकटॉक वीडियो बनाने का मन बना लिया, लेकिन उस टाइम उनके पास कैमरे वाला फोन ही नहीं था। रोहित ने किसी तरह एडजस्ट करके सेकेंड हैंड फोन खरीदा, जिसका कैमरा अच्छा था। उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में वो ज्यादातर एक्सप्रेशन, स्लो मोशन वीडियो बनाते थे। खुद का नहीं देखते ये चरित्र, और बीवी चाहिए इनको पवित्र। उनका अकाउंट ग्रो होना शुरू ही हुआ था कि पता नहीं क्यों टिकटॉक ने उनकी आईडी फ्रीज कर दी। आईडी फ्रीज होने के बाद भी वो वीडियो बनाते रहे, पर उनके वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे, इसलिए उनका मन टिकटॉक से हटने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने वीडियो बनाना काफी कम कर दिया और अपनी जॉब पर फोकस करने लगे। रोहित को दोबारा वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन तब मिली जब एक बार उन्हें एक लड़का मिला जिसने उनसे सेल्फी के लिए बोला। उस टाइम उन्हें लगा कि मैं टिकटॉक छोड़कर बहुत कुछ छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने जून 2019 में दूसरी टिकटॉक आईडी बनाई, जिस पर उनका दूसरा वीडियो जो कि एक स्लो मोशन वॉक था वो वायरल हो गया। उन्होंने शुरू के 2-3 वीडियो में ही 100 के फॉलोवर क्रॉस कर लिए। वो काफी स्पीड से ग्रो करने लगे, पर उनकी ये वाली आईडी भी टिकटॉक ने फ्रीज कर दी। पर इस बार रोहित और उनके दोस्तों ने हार न मानने का मन बना लिया था। वो लगातार अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अपलोड करते रहे। और उसने कहा है वो खुश हो जाएगी मेरी मौत पर। उसने कहा है वो खुश हो जाएगी मेरी मौत पर। अब देख क्या रहे हो, आओ मुझे जिंदा जला दो। कुछ दिन बाद अपने आप ही उनका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। इसके बाद बहुत से लोग उनके साथ तेजी से जुड़ने लगे। नवंबर 2019 में उन्होंने टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट कर लिए। फिर थोड़े ही दिन बाद 16 जनवरी 2020 को उन्होंने अपने 2 मिलियन फॉलोवर पूरे कर लिए। 2 मिलियन तक पहुंचने में उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, इसलिए उन्हें बड़े बड़े क्रिएटर पहचानने। थोड़ा सब्र कर मेरी जान, कामयाब हम भी होंगे लेकिन अपने दम पर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको रोहित और नीता सलिमकर की फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाते हैं। रोहित के 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट ही हुए थे कि एक दिन उन्हें नीता सलिमकर का इंस्टाग्राम पर डीएम आया। नीता एक बड़ी क्रिएटर थी, इसलिए रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ड्यूटी पर थे, पर नीता से बात करने के लिए वो टॉयलेट के बहाने वहां से गायब हो गए। उन्होंने नीता से पहली बार इंस्टाग्राम पर लगभग आधा घंटा बात की और उन्होंने तय किया
कि वो साथ में वीडियो बनाया करेंगे। नीता के साथ मिलकर उनके वीडियो और ज्यादा वायरल होने लगे। एक साथ वीडियो बनाते बनाते उन्हें एक दूसरे का नेचर भी काफी अच्छा लगने लगा। अब वो न सिर्फ वीडियो साथ बनाते हैं बल्कि एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड भी हैं। रोहित बोलते हैं उन्हें नीता में एक बहुत अच्छी बात लगती है, उनकी और नीता की कितनी भी लड़ाई हो जाए पर नीता हमेशा पहले आकर सॉरी बोलती है। रोहित के 2 मिलियन फॉलोवर होने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। वो बोलते हैं कि मैं जितना नौकरी से कमाता था उससे 3 गुना में यहाँ स्पॉन्सरशिप से कमा लेता हूँ और फेम मिल रहा है वो उससे भी बड़ी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स रोहित के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। रोहित ने टिकटॉक टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था पर जब उनके वीडियो वायरल हुए तो उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और वो हटके कंटेंट बनाने लगे। रोहित ने साड़ी के शोरूम पर 2 से 2.5 साल काम किया। रोहित टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फेम पाने के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करेंगे। रोहित को अपने देश से बहुत प्यार है और वो इंडियन आर्मी को सुपर हीरो मानते हैं। रोहित अपनी मम्मी के बहुत क्लोज हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड होता है। रोहित को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। बात करें रोहित के डेली रूटीन की तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचते हैं एंड निकल जाते हैं वीडियो शूट करने। रोहित एक दिन में 4 से 5 वीडियो शूट कर लेते हैं। उसके बाद वो लंच करते हैं एंड शाम को वो इंस्टाग्राम के लिए फोटो शूट करते हैं। रोहित ने बचपन से कभी नहीं सोचा था कि वो कोई स्टार बनेंगे और वो अपने एक्टिंग टैलेंट से भी अनजान थे। रोहित एक्टर रणवीर सिंह से काफी इंस्पायर हैं। वो रणवीर सिंह जैसा ही बनना चाहते हैं। वो बोलते हैं जैसे रणवीर अपनी दम पर एक्टर बने हैं मैं भी अपने दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। रोहित बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो जितना पॉसिबल होता है उतने फैंस से मिलते हैं। रोहित बोलते हैं कि वैसे तो किसी फेमस पर्सनालिटी के हेटर्स होना आम बात है पर मेरे हेटर्स में कुछ मेरे काफी नजदीकी दोस्त भी हैं। कि वक्त आ रहा है कामयाबी का नशा बेहिसाब करना है और जो पीठ पीछे मेरे कुत्ते भौंकते थे बेटा सामने आ जाओ तुम्हारा भी हिसाब करना है। रोहित अपने अंदर सबसे अच्छी चीज बताते हैं कि वो काफी हार्ड वर्कर हैं। रोहित अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है पर उन्हें कभी रिलेशनशिप में जाना हो तो वो नीता जैसी लड़की के साथ जाना पसंद करेंगे। रोहित का फेवरेट फूड बटर चिकन है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना भी काफी पसंद है। रोहित का फेवरेट डेस्टिनेशन मनाली है। रोहित स्ट्रगलर्स को टिप्स देते हुए बताते हैं कि टिकटॉक पर कोई ट्रेंड हो उस पर वीडियो बनाओ पर अपने वीडियो को थोड़ा सा हटके। वैसे तो रोहित कई तरीके के वीडियो बनाते हैं पर उनको सबसे ज्यादा एक्शन वीडियो बनाना पसंद है। इसकी बलि तो आज मैं चढ़ा के ही रहूंगा। हां तेरे बाप का माल है ना, आजा। रोहित के कई फैंस उन्हें दानिश जैन जैसा भी बोलते हैं। रोहित की सेलिब्रिटी क्रश उर्वशी रोटेला हैं। रोहित का सपना है कि वो अपने और अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा सा घर लें। अभी उनका घर अच्छी जगह भी नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। रोहित की हाइट 5 फीट 6 इंच है और बॉडी वेट 54 kg। रोहित को अपनी पॉपुलरिटी का एहसास पहली बार तब हुआ जब वो सूरत से मुंबई गए थे। जैसे ही वो ट्रेन से उतरे फैंस ने उन्हें घेर लिया एंड सेल्फी लेने लगे। तब रोहित के 500 के फॉलोअर थे। फ्रेंड्स इसी प्रे के साथ कि रोहित अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव करें हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक बार बेड़िया खुलने की देर है इन सारे नकली परिंदों को मुट्ठी में जकड़ लूंगा और तुम मांगते रहना भीख अपनी जीत की इन पत्थर की मूर्तियों के आगे जब तक मेरी माँ मेरे साथ मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ भरभूति जी हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं आपसे सेट ना हुई हैं। आप बोले भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। सही पकड़े हैं। कहंदी की करदे हो? मैं क्या वेला। कहंदी दोस्त की करदा है? मैं क्या ओ भी वेला। कहंदी अच्छा सुनो मेरा नवा बॉयफ्रेंड देखा? मैं क्या अच्छा हो ओ ता साडा ही है चेला। क्या खान 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल लिया। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें।